इंडिया को कि हमारी हेल्प करें, हमारे पर अटैक हो गया ये होता, उसने इंडिया ने कहा कि हमसे मुआहदा करो, आप इलाह करें हमारे से, हम क्यों फौज आपको दे, उन्होंने सपोर्ट के लिए फौज भेज दी है, बल्कि वो कब्जा ही कर लिया, उसने एग्रीमेंट कर लिया। उस वक्त उनको एक पिट्ठू मिल गया शेख अब्दुल्ला, उसको उन्होंने एक बना के ना वजीर आजम बना के और ये आइन में ये सारा कर दिया उसको, उसने फिर वो कुछ दिन उसको रखा, जब उसने ज्यादा पर निकाले तो उन्होंने उसको भी बंद कर दिया घर, और उसने कहा कि और मुझे इख्तियार। उस वक्त ये हुआ कि तीन महकमे में रखेंगे, करेंसी, दिफा और ये खारजा रख के बाकी उनको दे दिया, उनको बाकायदा उन्होंने असम्बली बिल पास कर लिया, खसूसी हैसियत होगी, कोई नाम कश्मीरी नहीं आ गया, ये अरेंजमेंट चलता रहा। मगर जब इंडिया गया है ना सलामती काउंसिल में, तो इंडिया ने कहा कि जी यहाँ हम रायशुमारी कराएंगे, वो फिर बाद में उतर गया सारे, वो पहले वेबसाइट का था कि भाई ताकि ये अटैक बंद हो जाए, जंगबंदी हो गई ना, जंगबंदी हो गई तो उन्होंने बाद में उल्लू बना दिया, वरना ये तो आर्मी हमारी आर्मी जाकर कब्जा कर लेती पहले। यही काम इन्होंने 65 में ना किसी ने कहा यूं खाने के बाद आप हीरो बन जाएंगे, आप कश्मीर में चढ़ाई कर दें, उसने क्या किया कि इधर से धड़ाधड़ कब्जा करना शुरू कर दिया, अच्छा मुझे जोड़ियाँ, तीसरे दिन इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया फुल फ्लेज, वही इसलिए कि उनको वो समझ रहे थे कश्मीर में लड़ाई होगी, उन्होंने कश्मीर के बजाय पाकिस्तान से कहा कि चलो लाहौर पर कब्जा कर, वो फिर जंग वहीं होती है। ये चक्कर अब ये जब ढाका फॉल हो गया तो उन्होंने कहा अच्छा मौका, इसको बायलेटरल कर लिया, शिमला माहदा में जो 90,000 फौजी के बस उसके बाद उन्होंने इनसे लिखवा लिया कि जी ये कश्मीर पर आप अक़वामे मुत्तहिदा में नहीं जाएंगे और ये इशू को बायलेटरल हम करेंगे। मगर अब इस बार उसने क्या किया कि अब देख लिया कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसने कहा कि पाकिस्तान वाले तो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, दिस इज़ हाई टाइम, तो इसको उसने वो जो उसने अपने उसकी कल तकरीर दिखा रहे थे इलेक्शन से पहले, उसने बाकायदा कहा कि एक एक देश में दो परचम नहीं हो सकता, हमें आप वोट दें ताकि हम इसको, ये इंडिया का अटूट अंग है और ये हमारा है और हमारा रहेगा, और ये आप मुझे वोट दें फुल ताकि मैं इसको इंडियन यूनियन में शामिल करूँ। उन्होंने तो वोट लिया और फौरन ये कर दिया, तो वो ये वैसे ही है जैसे कि 67 में इसराइल ने तमाम मुल्कों का टुकड़ों पर कब्जा कर लिया और आज तक वो बैठे हुए, उसमें शाम का भी एरिया कब्जा कर लिया, मिस्र का भी कर लिया, जॉर्डन का भी कर लिया, वो आज तक उनमें से आज तक चीज़ें आज़ाद नहीं हुई, सिर्फ मिस्र ने अपना, क्योंकि उससे उनकी ट्रेड ख़त्म हो गई थी, सुएज केनाल से गुजर के सारा वो समुंदर ही है, तो वो ये कहानी है। तो उन्होंने अरब में एक इस तरह कर लिया, वही काम अब ये उसी पैटर्न पे ये करना चाह रहा है कि इनके सारे जो बॉर्डर के साथ साथ लोगों को ना ये उनको पुश कर देगा सारे को बॉर्डर की तरफ, वो बेचारे फिर जब इतना होगा रोज़ मारामारी होगी तो वो बेचारे हिजरत करके इधर आएंगे वही अफगानिस्तान, वहाँ से उनको हटा के वहाँ दूसरे हिंदू आबाद करते जाए, रिहेबिलिटेड, ये इस पे एजेंडे पर बन गया। पाकिस्तान जो है वो ये जब कह रहे हैं ना कतर, रूस, चाइना, ये लोग इनको मदद करें, मगर ये लोग जब तक 5 मुल्क 4 मुल्क सीनियर सीरियस नहीं होंगे कुछ नहीं होगा।